Hi everyone, in last lecture we have started chemical examination of water. उसमें हमने pH का examination देखा था, potential of hydrogen का हमने examination किया था वहाँ पर, कि water का क्या, drinking water का क्या pH होना चाहिए. Last lecture में एक थोड़ा सा वहाँ पर error था, जो blood का मैंने बताया था pH value वो 7.4, 7.5 के approx होता है, वहाँ पर मैंने 8.4 बोल दिया था, तो वो ऑलरेडी मैं करेक्शन कर दिया हूँ कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर कमेंट करके मैंने पिन कर दिया, आप लोग चाहे तो वहाँ देख सकते हैं. वैसे आप याद रख लीजिएगा कि ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 टू 7.5 होता है, ब्लड जो होता है वो बेस होता है. आज का हम लोग देख लेते हैं, आज हम लोग उसका आगे का स्टेप देखने वाले हैं, जो पीएच वैल्यू हमने एग्जामिन किया उसके बाद जो केमिकल एग्जामिनेशन हम लोग करने वाले हैं वो टोटल सॉलिड्स का करने वाले हैं, कि ये टोटल सॉलिड्स क्या होता है और इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. और टोटल सॉलिड वाटर में जो भी सॉलिड्स होते हैं, चाहे डिसॉल्व फॉर्म में हो या सस्पेंडेड फॉर्म में हो, उन दोनों को मिलाकर जो हम लोग बनाते हैं वो टोटल सॉलिड कहलाता है. तो वाटर में जो भी सॉलिड्स ऐड हुए होते हैं, चाहे वो डिसॉल्व के फॉर्म में हो सकते हैं जिनको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं डायरेक्टली, उसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं, और कुछ सस्पेंडेड के फॉर्म में होते हैं जिनको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं. तो दोनों को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये टोटल सॉलिड है. आप देख लीजिए, टोटल सॉलिड इज द टर्म अप्लाइड टू द मटेरियल रेसिड्यू लेफ्ट इन द वेसल आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ द सैंपल. मान लीजिए किसी हम लोग कंटेनर में या वेसल्स में हमने वहाँ पर वाटर रखा, उसको हमने इवेपोरेट करा दिया वन बाय वन, धीरे धीरे करके उसको कम्प्लीटली हमने इवेपोरेट करा दिया. इवेपोरेट करने के बाद जो सॉलिड वहाँ पर रिमेनिंग बच गया उसको हम लोग बोल देते हैं सॉलिड, टोटल सॉलिड है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वन ग्लास ऑफ वाटर लिया और ग्लास को आपने कंबशन, जो भी अपने पास बर्नर है बर्नर पे रख दिया, बर्नर पे धीरे 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 वो क्या हुआ, बॉयल हुआ, बॉयल होने के बाद इवेपोरेट होता गया, स्टीम में कन्वर्ट होता चला होता गया, जिससे कि धीरे धीरे वाटर जो होता है ग्लास में कम होता गया. और जब वाटर उसमें से रिमूव हो गया कम्प्लीटली, तो कुछ सस्पेंडेड कुछ सॉलिड्स पार्टिकल उसमें आपको रिमेनिंग बचे हुए रहेंगे, बहुत ही वो नज़र हो सकता नहीं आए, बट डिफरेंस थोड़ा सा वेट का हो जाएगा. अगर आप पहले वेट मेज़र करोगे और बाद में वेट मेज़र करोगे, तो वहाँ पर अगर आप एम्प्टी ग्लास विदाउट वाटर का करोगे और अगर इवेपोरेट होने के बाद करोगे तो वहाँ पर डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा. तो जो भी वहाँ पर बचे हुए रह जाते हैं इवेपोरेट होने के बाद, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि टोटल सॉलिड है. अब टोटल सॉलिड जो होता है वो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है, या तो डिसॉल्व फॉर्म में हो सकता है या फिर सस्पेंडेड फॉर्म में हो सकता है. या तो आप देखिए यहाँ पर टोटल डिसॉल्व सॉलिड होता है या सस्पेंडेड फॉर्म में होता है. तो टोटल सॉलिड जो होता है वो दोनों के फॉर्म में हो सकता है, डिसॉल्व फॉर्म में भी और सस्पेंडेड के फॉर्म में भी हो सकता है. तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, डिसॉल्व वाले को और सस्पेंडेड वाले को, तो ये हो जाता है टोटल सॉलिड. अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आगे देखिए आप. तभी जैसा मैंने बताया हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करते हैं. एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर को हमने क्या करना होता है, कि पहले एक कंटेनर हम लोग लेंगे, कंटेनर एम्प्टी कंटेनर, कंटेनर को हम लोगों को मेज़र कर लेना होता है कि क्या उसका वेट है, उसका वेट को मेज़र कर लेना होता है. वेइंग मशीन से हम लोग उसका वेट को मेज़र कर लेंगे. वेट को मेज़र करने के बाद यहाँ पर एम्प्टी कंटेनर है, उसके बाद हम लोग एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर 50 ml मान लीजिए हमने उसमें फिल कर दिया. उसके बाद धीरे धीरे उसको हमने वहाँ पर हीट करते गए. हीट करने से क्या हुआ, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता चला गया और वो इवेपोरेट होकर कम्प्लीटली वहाँ पर वाटर जो होता है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है. उसके बाद फिर हम लोग जो वेसल्स बच गया इवेपोरेट होने के बाद, तब उसको हम लोग वेट को मेज़र करेंगे, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आएगा. उसी डिफरेंस को अगर हम लोग पहले वाले कंटेनर से बाद वाला जो आया है वेट, और उसको पहले वाला जो कंटेनर का वेट था, अगर हमको हम लोग उसको माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल सॉलिड निकल जाएगा. तो भाई कैसे प्रोसीजर है, वैसे वही दिया हुआ है. अ नॉन वॉल्यूम ऑफ वेल मिक्स्ड सैंपल इज इवेपोरेटेड इन ए प्री वेट डिश. मतलब एक डिश हम लोग को लेना है, एक हम लोगों को कंटेनर टाइप का लेना है, कंटेनर लेना है जिसका वेट पहले से मेज़र कर लिया. मान लीजिए एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर का वेट हमने पहले से मेज़र कर लिया. मान लीजिए कि इसका वेट आ गया है आपको 50 kg, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम लोग कम कर लेते हैं. इसका वेट आ गया मान लीजिए यहाँ पर, फिर से करते हैं, एक कंटेनर हमने लिया, कंटेनर का वेट मान लीजिए कि हमने 1 kg कर लिया, ये 1 kg इसका वेट आ गया है. उसके बाद हमने क्या किया, इसमें 50 ml ऑफ वाटर को फिल कर लिया. 50 ml ऑफ वाटर हमने यहाँ पर फिल कर लिया वाटर. उसके बाद इसको हमने कंबशन चैम्बर, जो भी हमारा है यहाँ पर फर्नेस पे, कंबशन चैम्बर पे या बर्नर है, बर्नर से हम लोग हीट करने लगे. हीट करने के बाद टोटल जो वाटर हुआ वो इवेपोरेट हो गया. उसके बाद इसका वेट कुछ कंटेनर का होगा, हो सकता है कि 1.001 kg हो जाए या 1.02 kg हो जाए, कुछ भी हो सकता है, जितना उसमें सॉलिड होगा उसके हिसाब से उसका वेट रिमेनिंग बचा हुआ रहेगा.
तो जो भी उसका वेट होगा, अब इसको डिफरेंस अगर हम लोग कर दें 1.02 से 1 केजी को माइनस कर दें, तो उसका हम लोगों का वाटर का जो भी वाटर में सॉलिड टोटल सॉलिड है वो हमारा कम्प्लीटली वहाँ पर निकल जाएगा। तो सेम प्रोसेस वही बोल रहा है कि हम लोग क्या करना है, पहले कंटेनर ले लेना है जिसका वेट पहले से हम लोगों को प्री वेटेड हो, उसके बाद हम लोग उसमें 50 ml ऑफ वाटर ले लेंगे, 50 ml ऑफ वाटर उसमें फिल कर देंगे, उसके बाद उसको हम लोग 103 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में हम लोग रख देंगे, और जिससे कि वहाँ पर कम्प्लीटली जो होगा वो वाटर इवोपरेट हो जाएगा। द इंक्रीज इन वेट ओवर डैट ऑफ द इम्पेटेड डिश गिव्स द टोटल सॉलिड, जो वेट उसका इंक्रीज हुआ होगा जो भी वाटर वहाँ से इवोपरेट होने के बाद, कंटेनर का जो पहले का वेट होगा कहीं ना कहीं वो बाद वाले वेट से वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो जो डिफरेंस हम लोग निकालेंगे वही जो इंक्रीज इन वेट हुआ वही हमारा टोटल सॉलिड दे देता है। बहुत ईजी मेथड है ये निकालने का, ये हम लोग घर पर भी कर सकते हैं। वाटर हम लोग लेंगे कंटेनर में, उसके बाद पहले कंटेनर का हम लोग वेट कर लेंगे विदाउट वाटर, फिर वाटर उसमें फिल करने के बाद वाटर को इवेपोरेट करा देंगे कम्प्लीटली। इवेपोरेट कराने के बाद फिर कंटेनर का जो वेट होगा बाद का वेट माइनस फर्स्ट का वेट जो हम लोग कर देंगे वहाँ पर, तो जो टोटल वेट आएगा वही टोटल सॉलिड को डिफाइन कर देगा कि वाटर में इतना सॉलिड मिला हुआ है। ये हमने टोटल सॉलिड देख लिया। ऐसी टाइप से आपको ये वेइंग मशीन है, यहाँ पर हमने कंटेनर को रख कर वेट कर लिया है, यहाँ पर वेट करने के बाद इसमें वाटर फिल कर लिया, फिल करने के बाद यहाँ हम लोग इसको कंबशन से जो भी हीट है वहाँ पर सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा 50 ml जो वाटर होगा वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगेगा, इवेपोरेट हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोगों को जो भी बाद में कंटेनर का वेट आएगा इनिशियल कंटेनर के वेट से माइनस कर देंगे। बाकी देख लेते हैं टोटल सॉलिड को, मैंने बताया कि दो तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो यहाँ पर वाटर में वैसा सॉलिड होता है कि वो कम्प्लीटली डिजॉल्व फॉर्म में हो, जिसको हम लोग फिल्टर करके रिमूव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डिजॉल्व फॉर्म में मान लीजिए कि हमने शुगर को वाटर में ऐड किया, उसे हम लोग कम्प्लीटली स्टेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ वहाँ पर जो भी शुगर था वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया, उसको हम लोग डायरेक्टली फिल्टर से कम्प्लीटली नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई सॉलिड हम लोग वहाँ पर डाल दें, जैसे सैंड हमने डाल दिया, सैंड को हम लोग वहाँ पर फिल्टर से रिमूव कर सकते हैं तो वो हो जाएगा सस्पेंडेड के फॉर्म में, बट टोटल डिजॉल्व सॉलिड है तो डिजॉल्व मतलब वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया, वहाँ से हम लोग उसको फिल्टर करके रिमूव नहीं कर सकते हैं। वन बाई वन स्टेप देख लेते हैं। डिजॉल्व सॉलिड आर सॉलिड डेट आर इन डिजॉल्व स्टेट इन सॉल्यूशन, जो डिजॉल्व स्टेट में होता है सॉल्यूशन में उसको हम लोग डिजॉल्व सॉलिड बोलते हैं यहाँ पर। तो वो कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट हो गया, कोई भी सॉल्ट हो गया, चाहे पोटेशियम सॉल्ट हो गया, कैल्शियम सॉल्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए, या ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए, उसमें कुछ भी वहाँ पर जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए वो टोटल डिजॉल्व सॉलिड के अंदर आता है, वो TDS के फॉर्म में आता है। तो आपको ध्यान में होगा जब भी आप घरों में RO लगाते हो या कोई वाटर आप लेते हो, वाटर बोतल लेते हो, तो वहाँ पर अगर आप चेक करोगे उसका तो वहाँ पर TDS वैल्यू हम लोग हमेशा चेक करते हैं। घरों में जब RO लगाने वाले जो आते हैं सर्विस सेंटर से, वो क्या करते हैं जब वाटर RO लगाने के बाद एक मीटर उनके पास होता है, मीटर से वो वाटर का TDS चेक करते हैं। जो TDS चेक करते हैं वही हमारा होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, मतलब वो चेक करते हैं कि यहाँ पर जो वाटर RO सप्लाई कर रहा है उसका क्या, उसमें सॉलिड डिजॉल्व फॉर्म में कितना सॉलिड डिजॉल्व फॉर्म में है, मतलब उसमें कितना आयरन है, कितना उसमें कैल्शियम है, क्या पोटेशियम उसका क्वांटिटी है, वो उस मीटर से, यहाँ पर एक डिजॉल्व सॉलिड मीटर होता है वो उससे वो मेज़र करके आपको बताएंगे कि आपका RO का जो वाटर है उसका TDS वैल्यू जो है वो 50 है या 100 है या 200 है, वो वहाँ पर आपको मीटर से बताते हैं। उसी हिसाब से टेस्ट भी वैरी करता है। अगर उसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, वो टेस्ट जो होता है RO वाटर का वो ख़राब हो जाता है। जैसे आप नॉर्मल अगर हैंडपम्प से आप वाटर निकालोगे तो हैंडपम्प में जो डिजॉल्व सॉलिड का जनरली आप चेक करोगे, हम लोगों ने चेक किया था ऐसे, तो वहाँ पर आपको 1000 के आसपास, 900-1000 के आसपास वहाँ पर टोटल डिजॉल्व सॉलिड का वैल्यू आता है, मतलब उसमें जो डिजॉल्व फॉर्म में सॉलिड है वो क्वांटिटी उसका ज़्यादा है। तो इसका एक अपर लिमिट भी होता है, इसका अपर लिमिट दिया गया है कि 500 से अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर का टेस्ट ख़राब होगा और वो हमारे हेल्थ के लिए जो होगा वो हमारे हेल्थ के लिए गुड नहीं होता है। तो जो डिजॉल्व सॉलिड का जो हम लोग मेज़र करते हैं वो पार्ट पर मिलियन में ही करते हैं, पार्ट पर मिलियन बोल लो आप या मिलीग्राम पर लीटर बोल लो, मतलब एक लीटर में 500 ग्राम अगर उसमें डिजॉल्व फॉर्म में है तो ठीक है, वो मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है, मैक्सिमम बोला जा रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम उसका वेट बोला जा रहा है। तो पार्ट पर मिलियन में हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं, और मिनिमम जो इसका बोलता है, मिनिमम वेट बोलता है कि वो 100 से कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर 100 से कम होगा तो क्या होगा, जो वाटर में हमें मिनरल्स चाहिए,
मिनरल्स जो वाटर में चाहिए वो मिनरल्स हमें नहीं मिल पाएंगे, और मिनरल्स नहीं मिलने से वेट बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिजीज हो जाता है। जैसे वाटर में अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो हमारे बोन्स में वीक हो जाएंगे, हेयर फॉल होने लगता है, फिर हार्ट से रिलेटेड भी डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा होता है अगर वाटर का TDS काफ़ी आप कम वैसा वाटर पी रहे हो जिसका TDS काफ़ी कम है। तो आप लोग जो वाटर बोतल मार्केट से लेते हो, वाटर बोतल उसका TDS 18 और 20 के आसपास होता है, 18-20 या 30 के आसपास होता है। तो उतना बिलो TDS भी हम लोगों को लेने से मतलब नहीं है, पीने में वो काफ़ी अच्छा लगता है बट उसका TDS काफ़ी कम होने की वजह से वो हमारे हेल्थ के लिए गुड नहीं है। वन बाई वन पॉइंट्स जो भी मैंने बताया वो डिस्कस कर लेते हैं। वाटर विथ हाई डिजॉल्व सॉलिड जनरली आर इनफीरियर, टेस्ट उसका ठीक नहीं होता है, ऑलरेडी मैं बता दिया। आप देखे होंगे जब हैंडपम्प से वाटर यूज़ करते होंगे, कहीं पर भी अगर हैंडपम्प है तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है जितना टेस्ट आपको RO का लगता है, बिकॉज उसका TDS काफ़ी ज़्यादा होता है। डिजॉल्व सॉलिड रिफर्स टू एनी मिनरल साल्ट मेटल कैटायन एंड एनायन डिजॉल्व इन वाटर, जो भी मिनरल्स है, साल्ट है, मेटल है, कुछ मिला हुआ है उसको ही बताता है डिजॉल्व सॉलिड। वो कम्प्लीटली डिजॉल्व फॉर्म में होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिल्टर उसको कम्प्लीटली हम फिल्टर करके निकाल ले, वैसे फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो कम्प्राइज इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मतलब इनऑर्गेनिक साल्ट भी इसमें हो सकता है, पोटेशियम होगा, कैल्शियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, या फिर आपको कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है जो कम्प्लीटली डिजॉल्व फॉर्म में हो, मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, मेटल्स भी हो सकता है, बट वो सब जो होना चाहिए वो कम्प्लीटली डिजॉल्व फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो हमारी तभी उसको हम लोग बोलेंगे टोटल डिजॉल्व सॉलिड है। अब आगे देख लेते हैं पॉइंट्स। फिर बोल रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर जो भी वाटर में ड्रिंकिंग वाटर में जो TDS ऐड होता है, मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड ऐड होता है, वो उसका सोर्स नेचुरल सोर्स भी हो सकता है, सीवेज वाटर अगर उसमें ऐड हो रहा है तो उसके वजह से हो सकता है, अर्बन रन ऑफ जो हो रहा है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो निकल रहा है या कुछ केमिकल्स उसमें ऐड हो गया और ऐड होकर सब डिजॉल्व फॉर्म में हो गया, मतलब कम्प्लीटली उसमें आप हिंदी में समझ लो कम्प्लीटली उसमें घुल गया, मिक्स हो गया, उसको हम लोग रिमूव नहीं कर पाएंगे, उसके वजह से हो सकता है। कुछ सीवेज वाटर मतलब घरों से जो ड्रेनेज सिस्टम से वाटर निकला है या कुछ नेचुरल सोर्सेज के वजह से हो गया, जैसे बारिश आया, फ्लड आया, तो वो क्या किया ड्रिंकिंग वाटर में कुछ सब्सटेंसेस ऐड कर दिया और वो डिजॉल्व फॉर्म में हो गया। फिर अर्बन रन ऑफ है, कुछ मतलब सरफेस से वाटर फ्लो होकर गया और वाटर बॉडीज में ऐड हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट कुछ ऐड हो गया वाटर में या कुछ केमिकल्स ऐड हो गया जिसके वजह से वहाँ पर डिजॉल्व सॉलिड का क्वांटिटी बढ़ गया, मतलब वाटर में कुछ डिजॉल्व सॉलिड आ गया है। बाकी देख लेते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन मिलीग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ऑलरेडी आपको बता दिया मिलीग्राम पर लीटर में हम लोग इसको मेजर करते हैं, मतलब एक लीटर में कितना मिलीग्राम है, अब या फिर पार्ट पर मिलियन में भी हम लोग इसको कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर द मैक्सिमम कंसनट्रेशन लेवल इज 500 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब अगर ड्रिंकिंग वाटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो होगा वो 500 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, बट टेस्ट उसका उतना बेटर नहीं लगता है, इसलिए आप 100 के आसपास मतलब मिनिमम लेवल पे ही रखोगे अगर RO वाटर को तो थोड़ा बेटर होगा, मिनिमम 100 या 150 तक रख लोगे तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए ज़्यादा भी मतलब हाई लेने से टेस्ट हमें उतना अच्छा नहीं लग पाता है, इसलिए जो RO वाटर जो सेट करके जाते हैं RO वाले जो सप्लायर होते हैं या सर्विस सेंटर से आते हैं वो आपको 100 या 150 के आसपास सेट करते हैं कि मतलब मिनरल्स भी मिलता रहे लोगों को और उनको कोई डिजीज भी नहीं हो उससे। अब देख लेते हैं कि जो लोएस्ट इसका वैल्यू है TDS का वो कितना होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, तो इट शुड नॉट बी लेस देन 100 ppm, मतलब 100 पार्ट पर मिलियन से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 100 मिलीग्राम पर लीटर मतलब एक लीटर में 100 मिलीग्राम से कम नहीं होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा उससे कम हो जाएगा तब फिर वो वाटर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, उसमें जो होगा बहुत सारे उससे डिजीज होते हैं, जैसे हेयर फॉल होने लगता है, हार्ट डिजीज होने लगता है, वहाँ पर कुछ डिजीज का लिखा हुआ है। इफ़ वाटर TDS लेवल इज़ लेस देन 100 इट मे काउज हेयर फॉल एंड हार्ट डिजीज, मतलब उससे हार्ट डिजीज होगा और हेयर फॉल होने लगेगा और भी बोन से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम उसमें होता है। अब देखिए वो कैसे मेज़र करते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल मीटर आता है TDS मीटर जिसको बोलते हैं, या TDS लिखा हुआ है TDS मीटर मिलते बोलते हैं इसको, आप जनरली सर्च करोगे नेट पे या अमेजन पे या फिर किसी भी आप फ्लिपकार्ट पे आप सर्च कर लो, किसी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग वाले साइट पे सर्च करोगे TDS मीटर तो ऐसा आपको दिख जाएगा, उसका रेट आपको 200 से 300 के अप्रॉक्स आ जाएगा, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो ऐसा आपको मीटर आता है नॉर्मल जैसा रहता है, जैसे थर्मामीटर रहता है उसी टाइप का रहता है, उसको वाटर में डीप करके ऑन करके जब डीप करोगे तो क्या होगा वहाँ पर उसको सेंस कर लेता है क्या उसमें डिजॉल्व सॉलिड है, वो सेंस करके रीडिंग यहाँ पर आपको डिजिटल फॉर्म में दे देगा कि 540 यहाँ पर दे रहा है, 543 है इसका वैल्यू वाटर का TDS, 543 है, कहीं पर 20 देगा, कहीं 30 देगा, 50 देगा, इस टाइप से आप अगर वाटर बोटल का अगर आप चेक करोगे जो वाटर बोटल आपको मिलता है मार्केट में 20 rupees या जितना भी है तो उसका अगर आप चेक करोगे TDS वैल्यू तो आपको 18, 20, 30 के आसपास मिलता है। आजकल तो उसमें मिनरल्स ऐड करने लगे हैं अलग से कि जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, हेल्थ से रिलेटेड इशू नहीं हो, इसलिए मिनरल्स भी लोग ऐड करने लगे हैं उसमें, इसलिए अब जो होता है वाटर बोतल आप लेते होगे तो उसमें
लिखता है विथ मिनरल्स या विथ एडेड मिनरल्स ऐसे करके लिखता है। ये हमने टोटल डिजॉल्व सॉलिड देख लिया है, अब आगे देख लेते हैं। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड बोल रहा है, तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड वैसा सॉलिड होता है जो सस्पेंडेड फॉर्म में हो, मतलब उसमें कम्प्लीटली घुला हुआ नहीं है वो उसको हम लोग फिल्टर से उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और जो फिल्टर का साइज़ होता है वो भी यहाँ पर बता रहा है, जो पार्टिकल साइज होता है मतलब 1.5 माइक्रो पार्टिकल तक वो रहेगा, तो हम लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं। मतलब जो फिल्टर हम लोग यूज़ करते हैं, ग्लास फाइबर फिल्टर यूज़ करते हैं, उसका साइज़ मतलब इतना छोटा होता है कि मतलब 1.5 माइक्रो पार्टिकल साइज तक हम लोग वहाँ पर उसको वहाँ से सस्पेंडेड पार्टिकल को फिल्टर कर सकते हैं। काफ़ी स्मॉल, काफ़ी माइक्रोन में मतलब बोल रहा है ये 1.5 माइक्रोन मतलब फिल्टर जो होता है, जैसे फिल्टर हम लोग जनरली ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा दिखाते हैं, पर काफ़ी फाइन रहता है वहाँ पर कि मतलब स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल 1.5 माइक्रोमीटर तक पार्टिकल अगर है तो वहाँ पर उसको हम लोग फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं। तो सस्पेंडेड फॉर्म में है ये, और उसका जो क्वांटिटी होगा उसी को हम लोग बोल देंगे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है, शॉर्ट में इसको TSS बोलते हैं, और डिजॉल्व सॉलिड को TDS बोलते हैं। तो जनरली हम लोग जो होता है वो RO में TDS ही मेज़र करते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो डिजॉल्व फॉर्म में ही नज़र आ, जो हमें नज़र नहीं आ रहा है फिल्टर नहीं कर सकते हैं, वही वाटर है वहाँ पर, ड्रिंकिंग वाटर है। अब बोल रहा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, इट इज़ ड्राई वेट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल दैट आर नॉट डिजॉल्व इन सैंपल ऑफ वाटर दैट कैन बी ट्रैप्ड बाय फिल्टर। मतलब बोल रहा है कि इट इज़ ड्राई वेट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल जो डिजॉल्व फॉर्म में नहीं होते हैं वैसा, मतलब उसी को बोलते हैं जो डिजॉल्व फॉर्म में यहाँ पर नहीं है। मीन्स ये बोल रहा है कि आपको जो डिजॉल्व फॉर्म में यहाँ पर वाटर नहीं है, और सैंपल ऑफ वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में नहीं है, सस्पेंडेड फॉर्म में है वो, जिसको हम लोग फिल्टर से ट्रैप कर सकते हैं, फिल्टर से रिमूव कर सकते हैं, वही यहाँ पर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड में वही आता है। TSS कैन इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल सच एज डिकेइंग प्लांट, जो भी प्लांट डिके होकर चला गया है उसमें, या फिर एनिमल्स मैटर्स है, कुछ एनिमल्स वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज है, जो वहाँ पर सस्पेंडेड फॉर्म में है मतलब डिजॉल्व नहीं हुआ है, उसको यहाँ पर हम लोग इंक्लूड करेंगे, इसको हम लोग फिल्टर से रिमूव कर सकते हैं, फिल्टर लगाकर हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड कैन काउज मेनी प्रॉब्लम्स फॉर हेल्थ एंड एक्वेटिक लाइफ। बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे अगर सस्पेंडेड सॉलिड ज़्यादा हो गया, जैसे सस्पेंडेड सॉलिड में आप प्लास्टिक भी कर सकते हो, अगर बड़ा मटेरियल की बात करोगे तो प्लास्टिक कुछ ऐड हो गया, कुछ उसमें बॉक्स टाइप का ऐड हो गया, कुछ वुड चला गया, जिसकी वजह से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज अगर वाटर में ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड होंगे तो क्या होगा, वाटर में आपको एक तरह का ट्रांसपेरेंसी उसका नहीं हो पाएगा, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगा, टर्बिडिटी बढ़ जाएगा, टर्बिडिटी के फॉर्म में भी बात कर सकते हैं, टर्बिडिटी बढ़ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो भी सनलाइट है एक्वेटिक जो एनिमल्स है वहाँ तक जो जाने चाहिए थे वो वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको एक्वेटिक प्लांट्स भी तो होते हैं ना वाटर बॉडी में, एक्वेटिक प्लांट तक जो सनलाइट है वो नहीं जा पाएंगे, तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, जिससे कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम होगा तो फिर क्या होगा, जो भी वाटर में वाटर बॉडी में जो एनिमल्स वहाँ पर हैं उनके लाइफ पर फिर वो इफेक्ट करने लगेगा। आगे देख लेते हैं। हाई TSS कैन ब्लॉक लाइट फ्रॉम रीचिंग सबमर्ज वेजिटेशन। जो हाई TSS होता है मतलब हाई टोटल सस्पेंडेड सॉलिड होता है, वो जो सबमर्ज वेजिटेशन मतलब जो वाटर बॉडी के अंदर में जो प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उन तक जो सनलाइट चाहिए वो लाइट उन तक नहीं मिल पाएगा। जब वो लाइट नहीं मिल पाएगा तब क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। एज द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द वाटर इज रिड्यूस्ड, फोटोसिंथेसिस स्लोड डाउन, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जैसा कि लाइट जो वाटर में है वो रिड्यूस हो जाएगा, वाटर में जाना जब रिड्यूस हो जाएगा, वाटर से पास होना रिड्यूस हो जाएगा, तब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो भी वहाँ पर स्लो डाउन होगा। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होगा उसका क्वांटिटी धीरे धीरे वाटर में कम होता चला जाएगा, वाटर में कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो भी वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स जो है वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल को ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम होने लगेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर वो उनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा रहने में, उनके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ऑलरेडी वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन का सारा कुछ बता दिया हूँ कि कहाँ तक अगर रहता है क्वांटिटी तो वो सर्वाइव कर पाते हैं। अब आगे देख लेते हैं एग्जामिनेशन कैसे करेंगे TSS का। इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि एक फ़िल्टर यूज़ करते हैं, ग्लास फाइबर फिल्टर हमने यूज़ कर लिया, पहले उस फिल्टर को हम लोग पहले वेट कर लेते हैं, फिल्टर है, फिल्टर को हमने वेट कर लिया। वेट करने के बाद क्या करते हैं, जो भी हमारा वाटर है जिसका TSS हमें मेज़र करना है, उस TSS को हम लोग क्या करते हैं, उस वाटर को हम लोग उस फिल्टर से क्रॉस कराते हैं। जैसे कि जैसे आप लोग घरों में, आप सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं, चाय से आपको एक फ़िल्टर आपके पास होता है, चाय छन्नी जिसको बोलते हैं, उसमें हमने चाय को डाला, जिससे कि जो भी उसमें चाय की लीफ थी वो क्या हो गया, वहाँ पर रह गया। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी है, एक फ़िल्टर हमने यूज़ किया, फ़िल्टर में हमने वाटर को ऐसे वहाँ पर जो भी था वाटर उसको क्रॉस कराया, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल था उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होगा, वो फिल्टर में आ जाएगा, फिल्टर में आकर वहाँ पर रह जाएगा, और वाटर जो होगा वहाँ से कम्प्लीटली नीचे चला जाएगा।
तो अब क्या करना है कि हमने तो वहाँ से वाटर को पास करवा दिया, अब जो फिल्टर में सस्पेंडेड पार्टिकल था उसका वेट हमें मेज़र करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग उस फिल्टर को ड्राई कर देंगे 100 डिग्री 103 डिग्री पर रख देंगे, जिसके वजह से क्या होगा, जो भी उसमें वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होंगे बिकॉज फिल्टर में होंगे तो फिल्टर में थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट भी होगा, तो वाटर ड्रॉपलेट को हम लोग कम्प्लीटली इवेपोरेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग उस फिल्टर को फिर से दोबारा वेट करेंगे तो क्या होगा कि वेट थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ आएगा, जो वेट इंक्रीज़ आएगा और पहले वाला जो वेट होगा, जो वेट आया नया और जो पहले का वेट था, इनिशियल वेट था, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा TSS। समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर से पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं। द रेसिड्यू रिटेन ऑन द फिल्टर इज ड्राइड इन एन ओवन एट 100 to 105 degrees Celsius अंटिल द वेट ऑफ द फिल्टर नो लॉन्गर चेंज। मतलब बोल रहा है क्या कि सबसे पहले हमने फिल्टर यूज़ किया और फिल्टर का हमने वेट क्या किया कि वहाँ पर फिल्टर हमने जो यूज़ किया उस फिल्टर का हमने वेट क्या हुआ मेज़र कर लिया। जब भी वेट उसका आया, मान लीजिए कि उसका वेट आ गया आपको 10 ग्राम या 20 ग्राम, मैं मान रहा हूँ 20 ग्राम उसका वेट आ गया, छोटा सा मैंने फिल्टर यूज़ किया, इसका 20 ग्राम वेट आ गया, इसमें से वाटर हमने क्रॉस करा दिया, जो भी वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल था वो इसमें स्टोर हो गया और वाटर वहाँ से कम्प्लीटली नीचे से चला गया। अब क्या करना है कि इस फिल्टर को हमने ओवन में, इसका टेम्परेचर 103 से 105 के आसपास होगा, उस ओवन में हम लोग रख लेंगे, जिससे क्या होगा कि इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स रह गया था इस फिल्टर में वो क्या होगा धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि वाटर का जो वेट, जो फिल्टर का वेट था, वो धीरे धीरे स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, उसका वेट जो होगा वो चेंज होना बंद हो जाएगा, बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट कम्प्लीटली जब रिमूव हो जाएगा तो वेट उसका चेंज होना बंद हो जाएगा। फिर जहाँ पर वेट उसका चेंज होना बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो फाइनल वेट आएगा उस फिल्टर का और इनिशियल वेट जो आया था उसमें से हम लोग, जो मतलब प्री वेट, जो वाटर को पास कराने से पहले जो वेट आया था, उस दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो इंक्रीज इन वेट आएगा वही हमारा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड दे देगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल एग्जांपल, आप जैसे घरों में चाय बनाते हैं तो क्या क्या, पहले जो भी चाय को फिल्टर करने के लिए जो हमारे पास फिल्टर था उसको हमने पहले वेट कर लिया, उसके बाद उसमें से हमने चाय को पास कराया, जिसकी वजह से जो कि चाय की लीफ थी, चाय की पत्ती थी, उसमें से वो रह गया। उसके बाद क्या किया, उसको हमने ओवन में रख दिया। ओवन में रखने के बाद वहाँ पर जो भी वाटर ड्रॉपलेट या फिर जो भी मिल्क का ड्रॉपलेट था या फिर टी का ड्रॉपलेट था वो रिमूव हो जाएगा और सिर्फ हमारे ड्राई फॉर्म में वो टी लीफ मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से उस फिल्टर को मेज़र कर लेंगे, वेट कर लेंगे और फिर इनिशियल वाले फिल्टर से जो विदाउट टी को क्रॉस कराया था उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा टी लीफ का वेट निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी यह सेम है, आपको रिलेट करके इजीली समझ सकते हो कि आपको हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा ये। द इंक्रीज इन वेट ऑफ द फिल्टर रिप्रेजेंट द TSS, जो वेट में इंक्रीज़ होगा उसको हम लोग TSS बोलते हैं कि ये हमारा TSS है। TSS निकालने का एक और भी तरीका है, जैसे हमने टोटल सॉलिड हमने कैसे निकाला, अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। टोटल सॉलिड हमने निकाला क्या क्या, एक कंटेनर हमने ले लिया जिसका वेट हमने मेज़र कर लिया, उसमें फिर हमने वाटर डाल दिया, उसके बाद फिर उसको इवेपोरेट कर दिया और फिर फाइनल कंटेनर का वाटर हमने मेज़र कर लिया, दोनों को माइनस कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, तो टोटल सॉलिड निकल गया। अब टोटल सॉलिड निकल गया हमें और वाटर जो पहले यहाँ पर पुट किया था उसका पहले हम लोग मीटर से TDS निकाल लेंगे। मान लीजिए TDS का वैल्यू पूछा जाएगा 20, मान लीजिए क्या गया, TDS का वैल्यू 200 आ गया और टोटल सॉलिड का वैल्यू आ गया 500 आ गया। अब 500 में से टोटल सॉलिड में से टोटल डिजॉल्व सॉलिड को माइनस कर देंगे, डिजॉल्व सॉलिड को हम लोग डायरेक्टली मीटर से निकाल सकते हैं, डिजॉल्व सॉलिड को माइनस कर देंगे तो 300 जो आया वो हमारा TSS आ गया, ये हमारा TSS का वैल्यू हो गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर फिल्टर से भी निकाल सकते हैं, फिल्टर से थोड़ा सा एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया है एग्जामिनेशन। तो केमिकल एग्जामिनेशन हम लोग वाटर का कर लिए, pH वैल्यू निकाल लिए, टोटल सॉलिड निकाल लिया, टोटल डिजॉल्व सॉलिड निकाल लिया और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ये हमने आई थिंक फोर थिंग्स हमने देख लिया है। अब अल्कलिनिटी जो और हमें एक पढ़ना है, एसिडिटी, वो हम लोग जब डिफिनेशन पढ़ेंगे वहाँ पर वाटर के अंदर, वाटर टॉपिक के अंदर, वाटर पोल्यूशन के अंदर आपका काफ़ी डिफिनेशन पढ़ना है, डिजॉल्व सॉलिड, BOD, COD ये सब हमें पढ़ना है, तो वहाँ पर फिर हम लोग वन बाई वन सबको देख लेंगे, वहीं पर अल्कलिनिटी और एसिडिटी भी डिस्कस कर लेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, इस रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वो एक चीज़ और बता दूं कि आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट का PDF अपलोडेड हो गया है, अपलोड कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में आपको। जब फर्स्ट और सेकंड यूनिट का कोई भी वीडियो आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे में आप जब जाकर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा PDF नोट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट, वहाँ पर आप जाइएगा तो इंस्टा मोजो करके एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप वहाँ पर एक छोटा सा हेल्प करने का अमाउंट आप पे करके वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है,
फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है और एक paykun.com का भी लिंक प्रोवाइडेड है। अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं और चैनल को कुछ सपोर्ट करना चाहें पर्सनली, अब जो आपसे जो भी बन पा रहा हो आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी आप करना चाहें आप सपोर्ट कर सकते हैं जिससे चैनल आपका आगे ग्रोथ होगा। तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे फर्दर जैसे आप पेमेंट करते हैं वैसे कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।